ये जो प्रोग्राम है ये ऑल ओवर इंडिया में विरोध प्रदर्शन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से किया जा रहा है, और करने का कारण ये है कि पॉपुलर फ्रंट के दफ्तरों पर, पॉपुलर फ्रंट के नेशनल लीडर्स पर, पॉपुलर फ्रंट के स्टेट लीडर्स के घरों पे एनआईए ने अचानक रात में छापेमारी की है। उसके खिलाफ जो है ये विरोध प्रदर्शन है, और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से असली दुश्मनी इनकी है कि मोदी जी को और अमित शाह को और आरएसएस को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि कोई उनकी पॉलिसी को उजागर करे। और आप सब पत्रकार बंधु हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस हिंदुस्तान में जिसने भी उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाई है, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में से हो, जिसने भी आवाज़ उठाई या तो इनने उसको मरवा दिया या इनने उसको ख़रीद लिया या धमका करके बीजेपी में शामिल कर लिया। लेकिन सिर्फ आज की तारीख में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक ऐसी आवाज़ है जो ना इनके ख़रीदने पर बिका है, ना इनके डराने पर डरा है, और ना इनकी ताकत के खिलाफ ये कभी झुकेगा। जब तक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक एक सदस्य इस हिंदुस्तान में जिंदा है, इस हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने वाली हर आवाज़, चाहे वो बीजेपी के रूप में हो, चाहे वो आरएसएस के रूप में हो, चाहे किसी और रूप में हो, हर उस आवाज़ के खिलाफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अपनी आवाज़ बुलंद करेगा, जो इस देश के संविधान को और इस देश के नागरिकों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा। ठीक है। For such fine news breaks and video features from ground on your mobile phones, don't forget to subscribe to our channel, The New Indian, by clicking on the bell icon. Also, follow us on the social media handles on Instagram, Twitter, Facebook and Kuu.